जाबाज सिपाही। जी हाँ, आपने अभी तक यूपी पुलिस को विलन के रूप में ही देखा होगा, अभी तक लोगों को हड़काते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक जाबाज सिपाही को दिखाने जा रहे हैं। यूपी के अमरोहा में मोहल्ला कट्टा बख्तावर में एक घर में अचानक गैस सिलेंडर की वजह से आग लग गई। सारे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घर के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग बेकाबू हो गई थी। अचानक मोहल्ले के किसी निवासी ने यूपी 100 PRB 2400 को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तरुण कुमार व अश्विनी कुमार ने बहादुरी दिखाते हुए पड़ोस के मकान में से समरसेबिल का पाइप लगाया और उस भयानक आग के अंदर घुस गए और अपनी बहादुरी दिखाते हुए आग को काबू में कर लिया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे जाबाज सिपाहियों पर जो कि अपनी जान पर खेलकर जनता की रक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए मौत से भी लड़ जाते हैं। बहरहाल इस हादसे में किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, एक युवक के हाथ झुलसे हैं। मोहल्ले वालों की माने तो चौबेलाल के घर में आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। ये सिलेंडर में सुबह 11 बजे आग लगी थी, जिसे मोहल्ले के लोगों ने बुझा दिया था, लेकिन इसी सिलेंडर को दोबारा रसोई के प्रयोग में ले लिया, जिससे ये हादसा हो गया। बहरहाल हम तो इतना ही कहेंगे कि इतनी लापरवाही भी ठीक नहीं। जेन टीवी के लिए फहीम अहमद की रिपोर्ट, अमरोहा। आप मरली के मौके पर आ गए थे आप? हाँ, मौके पर। हाँ जी, बताइए मामला क्या था, कैसे हुआ? सिलेंडर फटने की वजह से कांड हुआ है ये। अच्छा, इन्हें पता था कि सिलेंडर ये खराब था, लेकिन इन्होंने फिर भी दोबारा वो सिलेंडर लगा दिया। अच्छा, इन्हें लगाना नहीं चाहिए था ये सिलेंडर। तो इससे पहले भी मतलब ये हो चुका है? सुबह में हुआ है, सुबह में बात कर लो। क्या कह रहा है? अब पूछ रहा है, पता था कि मुझे नहीं लगाना चाहिए, फिर दोबारा लगा दिया, दोबारा वो सिलेंडर लगा दिया। इन्होंने तरुण कुमार जी ने और इन्होंने अश्विनी जी ने मौके बांध के जो है ये आग पर कंट्रोल पाया, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? यूपी पुलिस के बारे में क्या कहना चाहोगे? इनकी कोशिश अच्छी थी, इन्होंने काम अपना बखूबी निभाया। अच्छा, पुलिस वाले आएगा।